हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की आरबीएसई क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की 69th वर्कशीट पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने आपकी 68 वर्कशीट्स को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आपकी कोई वर्कशीट मिस हो गई है, आपको कोई वीडियो टाइम पर नहीं मिला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से वो वीडियो देखकर अपना होमवर्क पूरा कर लेना। बच्चों, ये वर्कशीट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी फिफ्थ बोर्ड की क्लास है और सारे जो एग्जाम होंगे वो इन्हीं वर्कशीट्स पर बेस्ड होंगे, तो आप इन वर्कशीट्स को अच्छे से दो दो तीन तीन बार देख लेना। अब बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर वो डेट लिखनी है जिस डेट को आप इस वर्कशीट को सोल्व कर रहे हो। हमारा इस वर्कशीट का लर्निंग एरिया है रीडिंग एंड राइटिंग। इस वर्कशीट का लर्निंग पॉइंट है द लर्नर यूजेज एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस लिंकर्स। आज आपको कंजंक्शंस का यूज करना सिखाया जाएगा। कंजंक्शंस मतलब जिन चिन्हों से वाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें हम लिंकर भी कहते हैं। जैसे कि आपके और, किंतु, या, इसलिए, ये सब आपके कंजंक्शंस हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है ऑल द डे ही सिंग्स द सॉन्ग। सारा दिन वो गाना गाता है। और यहाँ पर आएगा बच्चों और ही प्लेज इन द गार्डन, या वो बगीचे में खेलता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक तो और लिखना है, और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा सारा सेंटेंस लिखा है ना, आपको भी सारा सेंटेंस इसी तरीके से लिखना है। आई लाइक टू ईट मैंगो, मैं आम खाना पसंद करता हूं, बट माई ब्रदर लाइक्स टू ईट बनाना, पर मेरा जो भाई है वो केला खाना पसंद करता है। तो इसके बाद में बच्चों, आपको इस तरीके से इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। वी ऑल वर्क हार्ड बिकॉज वी हैव टू कलेक्ट फूड फॉर विंटर। हम सब कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि हमें सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना है। तो इस तरीके से बच्चों, आपको सेंटेंस को दोबारा लिखना है। यू कैन ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज, आप एक सेब खा सकते हो या आप एक संतरा खा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड यूज एप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड्स कंजंक्शंस। तो आपको नीचे दिया गया पैरा पढ़ना है और जहां जहां पर जो जो उपयुक्त कंजंक्शंस यूज हो, आप उन्हें यूज कीजिए। कंजंक्शंस इन्होंने दे रखे हैं, पहला है एंड, और, बट, बिकॉज। इन चारों कंजंक्शंस को हम स्टार्ट करते हैं। माई फैमिली डैश आई आर इन द जू नाउ, मेरा परिवार और आएगा तो बच्चों हमने लगाया एंड। माई फैमिली एंड आई आर इन द जू नाउ, मैं और मेरा परिवार चिड़ियाघर में है। वी सी लायंस, हमने शेर देखे, मंकीज बंदर देखे, एंड एलिफेंट्स, और साथ ही हमने क्या देखा, हाथी देखे। लायन इज स्लीपिंग, शेर सो रहा है, बट इट वेक्स अप एज आई गो नियर टू हिज केज, पर जब मैं उसके पिंजरे के नजदीक गया तो वो जाग जाता है। मंकीज आर शाउटिंग, बंदर चीख रहे हैं, बिकॉज क्योंकि दे हैव सीन दे सी बनानास इन माई हैंड, उनको मेरे हाथों में केले दिख गए। जू ऑफिसर आस्क्स टू हाइड माई फ्रूट्स, और मंकी विल कीप शाउटिंग, जो चिड़ियाघर के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि तुम अपने फल छुपा लो, नहीं तो ये बंदर चीखते रहेंगे। आई वॉन्ट टू गिव माई बनाना टू द मंकीज, मैं अपने जो केले हैं उन्हें बंदरों को देना चाहता हूं, बट इट इज नॉट अलाउड, पर इसकी इजाजत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। बच्चों, जैसे हम आपको वर्कशीट्स करवाते हैं, वैसे ही हम आपका जो स्माइल का होमवर्क आता है डेली, हम उस पर भी वीडियो बनाते हैं।
तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब आपका स्माइल का होमवर्क आए तो हम सबसे पहले YouTube पर उसका वीडियो डालते हैं, आपको फटाफट वो वीडियो मिल जाए और आप फटाफट अपना होमवर्क पूरा कर लें। वीडियो को एंड तक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।